अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मोमिन गुड फार्म। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को डेली की अपडेट्स मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम अल्तमाश भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो जैसे कि आपने कहा कि आज आप अपने बकरे दिखाने वाले हैं जी भाई, स्क्रीन पे जो हम आज बच्चे देखने वाले उसकी क्वालिटी वगैरह में हम जानेंगे कि अल्तमाश भाई जो मोमिन गुड फार्म जिनका एक चैनल भी है माशाल्लाह से, उनके बच्चे हम जो क्वालिटी में आज देखेंगे काफी अच्छी क्वालिटी और मुंबई क्लाइमेट सेट बकरे हैं। तो अल्तमाश भाई जरा दिखाइए अपने जानवर जो मुंबई क्लाइमेट सेट है और अच्छी क्वालिटी में। भाई भाई जैसे कि ये देख लो पूरा शिरोई का माला है अपना। अच्छा, टोटल 70 नग आए जी भाई। 70 नहीं, तकरीबन 80 नग आए थे जिसमें से 10 बकरे सोल्ड आउट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई माशाल्लाह। अभी फिलहाल अपने पास 70 बकरे है अवेलेबल जी भाई, उसमें तकरीबन 20 खस्सी 20 अंडुल है। हाँ भाई, और बाकी 50 खस्सी है। अच्छा, और अपने पास जैसे कि रेंज भी देखा जाए तो अपने पास जैसे कि जिसका लो बजट है। हाँ भाई, वो हिसाब से अपने पास वैसे बकरे भी है, मतलब किलो से ही है पूरे। हाँ, बकरे नग से नहीं है जरा भी। ओके भाई, और तकरीबन 40-35 किलो से लेके अपने पास। हाँ भाई, 80 तक बकरे है, 80 किलो तक बकरे है अपने बकरे है। मतलब आम इंसान भी अगर किलो से ले, हाई रेट के किलो से भी ले तो उनकी कुर्बानी कॉमन वेट में हो जाएगी, क्योंकि दाती बकरे है सब। दाती बकरे है सब अपने पास। तो भाई ये लॉट जरा दिखा दीजिए भाई, एक एक बकरा थोड़ा। तो पहला बकरा ये देखिए शिरोई में जी भाई, और अंडुल बकरा ये जी, और ये तकरीबन समझ लीजिए 2 दांत का बकरा है। 2 दांत पे है। और इसमें सबसे मेन चीज ये है कि अपने बकरों में तकरीबन 50 बकरे है अपने पास। हाँ भाई, उसमें भी 2 से 4 दांत। हाँ, और एक बकरा है जो सबसे बड़ा है, 75 केजी पर है जी, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। वो भी 7 दांत है। 7 दांत है। हाँ, और बाकी टोटल बकरे अपने पास 2 दांत से 4 दांत है, उससे बड़ा कोई बकरा नहीं अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे क्वालिटी वाले बच्चे और सब अच्छे हैवी वेट, मतलब कैसा वेट भी अच्छा है, और देखेंगे तो ऐसा लगता नहीं 2 दांत के बच्चे है। भाई मुंबई में हम देखते हैं क्या ज्यादा करके 50-60% के ऊपर ही जो होते हैं वो लाल बच्चे यानी कि शिरोई और अजमेरा ही कटते हैं जी। और माशाल्लाह से देखा जाए तो इनका वेट कैपेसिटी, इनके मसल्स मास माशाल्लाह काफी अच्छे होते हैं, माशाल्लाह बहुत बेहतर होते हैं भाई। और आपने जैसे कि लाया है मुंबई क्लाइमेट सेट लाया है, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास आके तकरीबन 10 दिन से ज्यादा हो चुका है जी भाई। और अपने रख के पहला तो अपने सेल के लिए नहीं निकाला, अपने रख के पहला सेट किए बच्चों को अपने पास जी, सबका वैक्सीन दवा हुआ सब किए अपने प्रॉपरली बकरों का, फिर अपने सेल पे निकाले, वरना अपन जैसे रख के जानवर जैसा भी आता है सेट होने के लिए टाइम लेता है, वो हिसाब से अपने जानवर को टाइम भी दिए माशाल्लाह। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने वैक्सीनेशन वगैरह कर दी है जी। और अल्तमाश भाई ये कब आए थे आपके पास बकरे? तकरीबन 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गए, 20 दिन बचे और वैक्सीनेशन हो चुका है 1 महीने पहले के बच्चे माशाल्लाह से। तो पहला बच्चे जो हमने देखा था भाई वो कौन सा था? पहला बच्चा भाई ये आज मेरा पूरा लाल। तो आपने कहा 2 दांत पर है। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह हाइट भी देखी जाए, सब बच्चे ना एक हिसाब से ना पलट पे कोई रखे। हाँ भाई, पलट वाले भी बच्चे हैं, मगर ये सब की कुर्बानी के लिए बेस्ट बच्चे अपने नजर में, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से। अपनी उम्र पे है बच्चे और अच्छे वेट पे भी है, तकरीबन ये 60 किलो के दरमियान रहेगा बच्चा जी। और अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह काटा है, अपन तोल के देंगे जैसा भी रहेगा, जो भी आएगी पार्टी सामने लाइव वेट तोल के देंगे, सामने लाइव वेट तोल के देंगे, जो भी रहेगा आपके सामने रहेगा। और अपन अभी अप्रोक्सीमेट वेट बता रहा हूँ, मैंने तोला नहीं, जो बकरा तोलो मैं उसका बराबर बता दूंगा जी भाई, जो भी एक अंदाजन आपको बता रहा हूँ, जैसा भी पार्टी को चाहिए वो आगे सामने से वजन करा के ले। अगर भाई कोई आपसे कॉल वगैरह पे मांगता है भाई, मैं वीडियो कॉल पे बकरे वेट भी करा लूंगा, जैसे कि मुंबई क्लाइमेट साइड है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मिल जाएगा भाई। और मुंबई के कोने में अगर कहीं जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा? ट्रांसपोर्ट का एक बात बता दूं, ट्रांसपोर्ट का ना अभी बंद होने वाला है। अच्छा, मैं सुना हूँ के बंद होने वाला ट्रांसपोर्ट का भी, और इन मुंबई भाई अल्तमाश भाई, इन मुंबई वैसे के तो अपन पहुंचा देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र बॉर्डर के बारे में कुछ तो काफी सारी न्यूज आ रही है कि वो सील होगा कुछ ऐसा। जी, जी, मैंने भी सुना, मेरा माल भी पकड़ा जा चुका है जी भाई, मेरा माल आने में अपना बीच में पकड़ा गया था जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपन ने तो छुड़ा के निकाल दिया, लेकिन बहुत से लोगों का पकड़ भी रहे। हाँ भाई, कुछ लोगों का निकल रहा है, मगर बोलते ना 5 तारीख तक अपन ने सुने, क्योंकि मेरा भी 2 आज ही जानवर आए मेरे कोटा से, 2 बकरे हैं बड़े जी। अब वो कोटा वाले से मैंने बोला था थोड़ा रुक के भेजना, लेकिन उसने मना कर दिया सामने से जी। उसने बोला कि भाई 5 तारीख को पूरा बंद हो रहा है, ट्रेन भी बंद होने वाली है, और बायकादा ट्रक जो चल रही है जी बाय रोड वो तक बंद होने वाला ट्रांसपोर्ट, तो वही सबसे उसने बोला भाई जितना जल्दी हो सके अपना जानवर आप निकलवा लो जी। तो वो जैसे मैंने आज मंगा लिया। तो नेक्स्ट बकरा कौन सा देखने वाले अल्तमाश भाई? हम नेक्स्ट बकरा भी भाई जैसे कि ये बकरा भी देख लो, ये भी एक शिरोई है, सफेद कानों में, ये बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है भाई। हाँ, पूरा लाल बच्चा सफेद कान, और इसकी एक चीज खासियत भाई ये पूरे चारों खुर इसके ना मार्बल है जी, एकदम पैर उसके ना एकदम डिजाइन वाले, ये बहुत कम देखने मिलता है भाई कि शिरोई में मार्बल खुर वगैरह आ रही है जी। वैसे तो ये काफी लोगों मैटर ना करे,
बाकी एक शौकीन अगर देखता है ना भाई तो कुछ यूनिक चीज ही काटना पसंद करता है भाई। जी जैसे खूबसूरत भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने कम वेट पे मतलब बच्चे कम उम्र पे अच्छे वेट पे, एक ये बकरा देख लो भाई, ये बकरा माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह बेहतर है, अंडूली है, बड़ी लेंथ है माशाल्लाह से, बड़ी लेंथ और प्लस इसकी पेटी बहुत बड़ी है माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह इसकी पेटी देखिए। और ये बच्चा ना अभी भाई दो दांत पर है सिर्फ, बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह से। तकरीबन इसका वेट रहेगा भाई तकरीबन 60-65 किलो रहेगा, 60-65 किलो वेट है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है, मेरे को तो बहुत पसंद है बच्चा, और एकदम शांत स्वभाव, बकरे पूरे खुले, खस्सी भी इसमें, अंडूल भी है, अच्छा जरा कुछ मस्ती नहीं, जरा कुछ हरकत नहीं, खाते पीते अपने मस्त रहते बकरे। तो जो सभी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, अल्तमाश भाई ने जो वेट बताया है वो अंदाजन बताया है, जो भी अगर आपका पार्टी है, अगर आपको पसंद है जानवर लाइव देखिए, क्योंकि मुंबई क्लाइमेट सेट है और आपको तोल के दिया जाएगा जानवर, क्योंकि भाई ये धोखे दाड़ी का काम नहीं है इनका, माशाल्लाह से हमेशा का काम है, जेन्युइन सेलर एंड बायर दोनों है, अच्छी चीज लाए है, मुंबई क्लाइमेट सेट करके लाए है। तो नेक्स्ट बकरा बताइए अल्तमाश भाई। नेक्स्ट बकरा ये भी खस्सी है जी भाई, लेड पंच है ये, खस्सी बोलते ना पंच है, खस्सी में गिनती है, मतलब हरकत भी इसकी फुल चालू है, मगर पूरा खस्सी है बच्चा जी भाई, तभी हरकत में रहता ना बकरे, तो ये भी करता है, और इसने भी ना भाई दो दांत पर है बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, लंबी लेंथ, बहुत अच्छा बच्चा है भाई, खूबसूरत बोला जाए ना, इसका भाई भी था अपने पास, अच्छा अच्छा, और मैंने सामने से प्रेफर किया था, खस्सी लेने आए थे, हाँ भाई, उनको मैंने सामने से दिया था, बम्बई की पार्टी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका वेट कुछ 68-69 kg पे था, दो दांत पे था, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा शाइनिंग कलर में था माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चा सामने लेने लेके जाते टाइम एक ही चीज बोला, इसका भरोसा नहीं, साल पलट पे भी रख सकता हूँ, अभी लोगों का शौक है भाई, जैसा उनको बेहतर लगे, जैसा बेहतर लगे वैसा, ये साल की कुर्बानी के लिए बेस्ट, तो ये साल के लिए, क्योंकि शिरोई का एक है कि अगर आज वो 50 किलो तो इंशाल्लाह अगले साल 1 क्विंटल प्लस चले भी जाते, चले भाई। जाते भाई, उनका कोई नहीं बोल सकते, अंडूल खस्सी 1 क्विंटल नॉर्मल है शिरोई में, हाँ आराम से जाता ही है बच्चा मुंह से खा के, इंडिया की बहुत ही अच्छी ब्रीड है, हम ओवरऑल कवर करने की कोशिश करते हैं माशाल्लाह जी भाई, ये भी तकरीबन 70 के लगभग रहना चाहिए बच्चा जी, और ये अभी तकरीबन 4 दांत पर है, 4 दांत पे जी माशाल्लाह भाई, वैक्सीनेशन वगैरह हो चुका है बच्चों का, दवा सब चीज माशाल्लाह, लेंथ वगैरह में बड़ी चमकदार बच्चे भाई, माशाल्लाह बड़ा बच्चा ये माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत ही जबरदस्त खस्सी है ना भाई, खस्सी है जी, और ये एक ही मानो के भाई 4 दांत पे है, 4 दांत पे 4 दांत कर रहे हैं, अच्छा तकरीबन इसका वेट मैंने किया हूँ 70 अबाव है, 70 अबाव वेट है जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा जानवर है भाई, इतना लेकिन है 70 अबाव, बाकी जो भी रहेगा पार्टी के अपन सामने वजन करा देंगे जी भाई, जानवर बाकी बहुत बड़े लेंथ का बच्चा है ये माशाल्लाह, बच्चे आग बंद करके 6 महीने 4 महीने में इंशाल्लाह 100 पार हो जाते हैं, मगर भाई फील वगैरह तो अभी कुर्बानी का वक्त चल रहा है, तो लोग बेहतरी से क्या कुर्बानी में पेश कर रहे हैं भाई, ये भी अंडूल है पर बहुत शानदार बच्चा है माशाल्लाह भाई, जमीन पर रुकता ही नहीं, ये ऊपर ऊपर घूमता है, यहाँ बहुत टाइम देखा हूँ मैं इसको खड़े होते हुए जी, दो दांत फ्रेश है ना भाई, छोड़ दीजिए वो नहीं समझ रहे तो लोग सामने देख ले लाइव, और बच्चा फुल शाइनिंग कलर में माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बाकी खेलने कूदने वाला बच्चा है, तकरीबन ये लेना चाहिए 60 के ऊपर ही इंशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इसमें देख रहे हैं हम काफी सारे कॉले कॉले बच्चे हैं, यानी कि ताजे दांत करे हुए है जी, फ्रेश 12 से 13 महीने के ही बच्चे जो दांत कर गए और अच्छी लेंथ के शिरोई, यानी कि अच्छी लेंथ के बकरे है जी, अंडूल भी अपने पास है तकरीबन, अंडूल इसमें समझ लीजिए इधर पे कुछ 23 बकरे हैं, 23 बकरे और अपने आधे बकरे पूरे अपने घर पर है जी भाई, वो भी हम इंशाल्लाह कंटिन्यू शूट करेंगे, कंटिन्यू ये बकरे में 23 में से तकरीबन समझ लीजिए आप 7-8 खस्सी है, हाँ सब अंडूल है इसमें जी भाई माशाल्लाह भाई, इसमें सबसे बड़ा बकरा बता दीजिए फिर इंशाल्लाह मैं वो दूसरे कंटिन्यू कवर करेंगे भाई, बड़ा बकरा भाई अंडूल बहुत दिखाया और ये सबसे बड़ा बकरा अंडूल में माशाल्लाह भाई, ये पंजाबी है कि सबसे पंजाबी के इसमें कलर में कलर भी है और माशाल्लाह हाइट भी इसकी तकरीबन 40 होनी चाहिए जी भाई, बहुत ही बड़ा है भाई, ये तो फ्रेम कवर नहीं कर रहा है क्योंकि वीडियो जस्टिफाई नहीं करती है बकरे को, आप लाइव देखे व्यूवर्स तो बेहतर है, ये बच्चा भी माशाल्लाह भाई, सातवां दांत ये है, हाँ भाई 8वां निकाल रहा है जी भाई, कंप्लीट हुए नहीं 8 दांत इसके, और बच्चा 75 अबाव है माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा भी रहेगा पार्टी को अपन तोल के दे देंगे इंशाल्लाह भाई माशाल्लाह, कलर में तो भाई बहुत ही शानदार है, ये सबसे बेस्ट कलर अब तक का मैंने देखा, क्योंकि ये कलर शिरोई में कम आता है और शेरा कलर याला पंजाबी में ज्यादा आता है, पंजाबी में ज्यादा आता है, बाकी बच्चा बहुत ही बड़ी लेंथ माशाल्लाह, हाइट क्या बोले आपने, हाइट मैंने नापा नहीं, 40 प्लस लग रहा है इंशाल्लाह, 40 अपन बता रहे हैं माशाल्लाह से भाई, चाहिए जैसा भी जैसा लोगों की रिक्वायरमेंट रही इंशाल्लाह अपन वो माशाल्लाह माशाल्लाह, तोल के चाहिए या हाइट नाप के चाहिए, दांत की वीडियो चाहिए, जो भी जैसा भी चाहिए इंशाल्लाह अपन करा देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुंबई क्लाइमेट सेट बकरे है, काफी एक्टिव बकरे, चमकदार चीज है, आप आओ लाइव देखो जी भाई, भी लीजिए आप लाइव जाके लीजिए, हाँ भाई क्या है बहुत सी जगहों पे होता है, होता तो नहीं है मगर बाहर साइड में भी होता है, अब बोलने की बात है मगर कैसा देख के लीजिए, आपकी चीज है, आपका पैसा है, कुर्बानी अल्लाह के राह में, तो आप चेक करके जानवर लीजिए जी भाई, क्योंकि मुंबई मुंबई में है तो नजरों के सामने है जी,
क्योंकि देवनार वगैरह तो बंद है, बंद है। 5 लाख की खपत कहाँ से होगी भाई? देवनार तो कंफर्म हो गया, मैं अपने को तो पहले से पता था जी भाई, बताते भी थे देवनार का बंद है, मगर लोगों को जैसा कि मीटिंग चली अबू आसिम का बहुत सी चले वीडियो कि देवनार के लिए, अभी भी वो बोल रहे देवनार के लिए, मगर देवनार कंफर्म है बंद है क्योंकि 1 लाख की भी परमिशन देता है। हाँ भाई, तो एक आदमी एक बकरा खरीदने जाता नहीं है। हाँ भाई, और वो लाख के लिए लाख जाएंगे नहीं, तकरीबन जितने जाते हैं वो उतने ही जाएंगे। हर इंसान, हर बकरे पे अगर 10 इंसान भी जाते तो लाख का तो 10 लाख ऐसे हो जाएगा भाई। तो वो हिसाब से ना गवर्नमेंट नहीं दे रही है जी भाई, जैसा है आगे आपको पता चली जाएगा। और बॉर्डर का भी तो वो तो अभी एक मैं बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है, मगर इतना है कि लोग जाता के ट्रांसपोर्ट वाले भी बता रहे कि बंद होने वाला है 5 तारीख से। जी भाई, जैसे कि पिछले साल भी हुआ था, ये साल भी होने के काफी चांसेस है भाई। भाई रेट अभी बढ़ सकता है, जैसा भी लोगों को क्या जैसा मिले लोग ले ले। हाँ भाई, आखिर में रेट बढ़ेगा जी भाई। तो एक ओवरऑल व्यू यहाँ का ले लेता हूँ मैं, जो कि थोड़े बकरे बताने की कोशिश किए थे हमने, और यहाँ से ओवरऑल व्यू लिया। माशाल्लाह काफी शानदार है, बड़ी बड़ी लेंथ के बकरे हैं जो बड़ी कुर्बानी पेश करते हैं, छोटी कुर्बानी पेश करते हैं, जिनका जैसा बजट हो। ये ओवरऑल व्यू यहाँ का ले लेते हैं अल्तमाश भाई के साथ माशाल्लाह से भाई, क्योंकि क्वालिटी रखते हैं हमेशा से और अच्छी चीज लाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह छोटे बकरे भी दिखाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।